बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनार, आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह आर्ट हाउस यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, ये 150 सिलेंडर रिश्का है जिसका क्लच बिल्कुल सही से काम नहीं कर रहा है और कस्टमर के कहने के ऊपर 708 लोड कर दें तो गाड़ी बिल्कुल ही रोने लगाती है और क्लच फंस जाता है। तो जी दोस्तों, ये फॉल्ट आपकी गाड़ी के भी हो सकता है और ये फॉल्ट आप अपनी गाड़ी का कैसे दूर कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जी दोस्तों, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो जी दोस्तों, ये 2024 मॉडल रिश्का है जो बिल्कुल जोर लगाना छोड़ गया था और जिसका क्लच है वो बिल्कुल हार्ड हो चुका है जिसकी वजह से गाड़ी जोर नहीं लगा रही थी। तो ये फॉल्ट आपने कैसे दूर करना है उसके लिए आपको इसके क्लच वाले केबल खोलने पड़ेंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले अपने नीचे वाले साइड एडजस्ट खोल लेने हैं क्लच केबल के। एडजस्ट को खोलने के बाद जी दोस्तों, अपने केबल को पीछे वाले साइड पर कर देना है और जो क्लच वर्म के अंदर केबल फंसी हुई है उसको अपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद तो आप देख सकते हैं जो इसकी क्लच केबल है वो बिल्कुल ही जाम हो चुकी है जिसकी वजह से गाड़ी का जोर लगना बंद हो जाता है और गाड़ी का क्लच हार्ड हो जाता है। तो ये तो नीचे वाली साइड खोलने के बाद आपने ऊपर वाली साइड भी खोल लेनी है जो इसके एडजस्ट है, आपने उसको सीधी कर लेना है। एडजस्ट को सीधी करने के बाद आपने उसके अंदर से तार को बाहर निकाल लेना। बाहर निकालने के बाद आपने क्लच केबल के अंदर जो तार है उसको आपने हिला के चेक कर लेना आगे पीछे करके वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये तो ये बिल्कुल जाम हो चुके थे, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा जम चुका था जिसके वजह से क्लच काम करना छोड़ गया था और जो गाड़ी का जोर था वो बिल्कुल कम हो चुका था। तो ये सब देख सकते हैं क्लच केबल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा कचरा निकल रहा है। पेट्रोल की मदद से आपने अच्छे से वॉश कर लेनी है, जितना भी उसके अंदर कचरा होगा जी दोस्तों वो पेट्रोल की मदद से बाहर आ जाएगा। जो क्लच केबल है वो बिल्कुल रवा हो जाएगी जिसकी वजह से क्लच अच्छे से काम करना शुरू कर देगा और जो गाड़ी की पिक है वो भी बन जाएगी और गाड़ी लोड भी अच्छे से खींचेगी। तो जी दोस्तों, पेट्रोल के साथ वॉश करने के बाद आपने इसको ऑयल दे लेना अच्छे से। ऑयल देने के बाद इसको अपने ऊपर वाली साइड में जो क्लच केबल है उसको फिट कर लेना। तो क्लच केबल बाहर निकालने का और गाड़ी के अंदर फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही थोड़े टाइम में आप अपनी गाड़ी की जो क्लच केबल है जो क्लच है वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आपने ऊपर वाली साइड जो कंप्लीट करके आपने नीचे वाली साइड भी करनी है। तो जी दोस्तों, आपने क्लच वर्म के अंदर केबल को फंसा के आपने इसकी जो एडजस्ट है वो अच्छे से टाइट कर लेनी है। एडजस्ट को टाइट करने के बाद तो आपने क्लच को दबा के चेक कर लेना है कि क्लच अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो क्लच वर्म है वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, जो क्लच है वो बिल्कुल नरम हो चुका है और गाड़ी का जो जोर है वो बिल्कुल अच्छे से लग रहा है। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा मेरे आने वाली हर नई वीडियो तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।